हमारे ही दुर्भाग्य की बात है, मंडी जिला के सुंदरनगर सब डिविजन के सलापड़ और कांगू गांव में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है और 5-6 लोग अभी गंभीर अवस्था में जो है मेडिकल कॉलेज मंडी में दाखिल हैं। बड़े ही सोचनीय बात है कि जितने भी ये जहरीली शराब दुकानों में उपलब्ध कराते हैं, चिकन कॉर्नर में उपलब्ध कराते हैं, वो शराब जो है मिथाइल अल्कोहल मिला करके और यहाँ तक कि यूरिया खाद और जो है क्लोरल हाइड्रेट का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि शराब तेज हो और जल्दी लोगों को इसका असर हो। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री के जिले में पहली बार ऐसी दुर्घटना हुई है और सरकार इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि कब से ये धंधा चला हुआ है, कब से ये अवैध शराब जो है निकाल करके उन रेस्टोरेंट में जो है उपलब्ध कराई जा रही है। ये सब पुलिस के और जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है उनके ध्यान से मैं समझता हूँ छुट्टी नहीं है बात, लेकिन क्योंकि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण उपलब्ध है, अपराधी जो है विधायकों की कार में घूमते हैं और उनको जो है राजनीतिक संरक्षण करके जो है उनको पकड़ा नहीं जा रहा है। जो अभी पकड़े गए हैं वो तो छोटी मछलियां हैं, वो तो सिर्फ सप्लाई का काम करते थे, लेकिन जो मगरमच्छ जिन्होंने ये जहरीली शराब तैयार की है उन तक जो है सरकार का हाथ अभी नहीं पहुंचा है। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे सरकार से अनुरोध करूंगा कि ये जो कमेटी बनाई गई है उससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इसकी सारी जो है जांच हाई कोर्ट की, हिमाचल हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश से कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पता लगे। जो असली मुजरिम है, जो ये शराब बनाते हैं और कई किस्म का इस्तेमाल उसमें करते हैं, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए ताकि दूसरी बार ऐसी वजह ना हो। आज कानून व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह चरमरा गई है। पिछली बार सभी लोग जानते हैं कि गुड़िया कांड और जो गार्ड होशियार सिंह जो करसोग के जंगलों में जिनकी लाश पाई गई, उसके आधार पर बीजेपी ने बहुत छोड़ डाला कि गुड़िया कांड में कुछ नहीं हुआ, होशियार सिंह मामले में सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो मैं जयराम सरकार से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने होशियार सिंह मामले पर क्या कार्रवाई की, जिन अधिकारियों के माध्यम से, वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से जो करसोग में जंगल काटे गए, जिसकी रिपोर्ट जो है होशियार सिंह गार्ड ने की थी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है और होशियार सिंह को क्या इंसाफ जो है जयराम सरकार ने दिया है, ये हम जयराम सरकार से पूछना चाहता हूँ। तो आज प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और मैं चाहता हूँ कि इसको सख्ती के साथ निपटा जाए और जो जहरीली शराब से 7 व्यक्ति मरे हैं, बाकी सीरियस है, उसमें हाई कोर्ट के जज, सिटिंग जज की जो है इंक्वायरी कराई जाए। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है। धन्यवाद। डॉक्टर KDI's हॉस्पिटल, आपकी आंखों का हम रखेंगे ख्याल।